हेलो भाइयों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम अपने बात करेंगे जो नेचर आइसलेट इटेन का आज के दिन का दूसरा मुकाबला होगा, जो खेला जाएगा सारी सारी सनराइजर्स वर्सेस वैली हाइकर्स के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, बस आपको ये वीडियो अंत तक वॉच करना है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे इसी वीडियो के, तो जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर मैच के बारे में, तो मैच रात में 12 बजे स्टार्ट होगा। मैच खेला जाएगा विंडसोर पार्क में। बैलेंसर पेस हैं, एवरेज स्कोर 90 से 110 के बीच में बनता है। 12 मैचेस हुए हैं, 9 जीते, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 3 में यहाँ पर चेज हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को यहाँ पर क्लियर एडवांटेज रहता है, ये बात आप ध्यान में रख के चलिएगा। पहले बात करेंगे अपन यहाँ पर वैली हाइकर्स की टीम की। तो वैली हाइकर्स की टीम ने यहाँ पर ना 4 में से सिर्फ एक मुकाबला जीता है, 3 मुकाबले हारे हैं। ओपन करेंगे ऐसे काइल केबे और काइल जेम्स। तो देखो, काइल केबे जो है ना, इन्होंने लास्ट के 4 मैच जो खेले हैं उसमें 5 विकेट इनके नाम है, और बल्ले से भी 10, 5, 6, 10, मतलब बहुत अच्छा रिकॉर्ड है बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी। और काइल जेम्स की बात करो तो 1-31 की पारी है, उसके अलावा कुछ मैच में स्टार्ट्स नहीं मिले हैं, जैसे कि 8 रन, लेकिन बड़ी पारी नहीं है, 2 और 4, मतलब ओवरऑल ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस है। केविन जेम्स पहले मैच में 12 रन, 0 विकेट है, 2 ओवर डाल के फिर 12 रन है और फिर 6 रन है, तो इनका भी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा डाउन ही रहा है। जॉन फेबियन ने अच्छा किया है, पहले में जरूर जल्दी आउट हुए लेकिन उसके बाद में 22, फिर 33 रन, 0 विकेट, फिर 22 रन, 0 विकेट, तो इम्पोर्टेंट रहेंगे। यावनी रेगिस 20-3, 9 बैटिंग, 2, उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। और जैसे मर्सलिन की बात करूँ, पहले में 1 ओवर डाल के 1 विकेट है, दूसरे में 1 ओवर डाल के विकेट लेस है, फिर 9 बैटिंग है और फिर 10 नॉट आउट है, तो इनका जो परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक ही है, उतना अच्छा परफॉर्मेंस मेरे को लगा नहीं। जेमी जेम्स लगातार 2 ओवर डाल रहा है, हालांकि विकेट ना इसको सिर्फ एक ही मैच में मिले 3, लेकिन हर मैच में 2 ओवर डाल रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट रहना चाहिए। और सर किम थॉमस लास्ट के जो 4 मैच है वहाँ पर सिर्फ 1 विकेट है इसके नाम भी, जीएल का ज़्यादा अच्छा पिक रहेगा स्मॉल लीग के कंपेरिजन में। और क्विंटन हिलेरी 9 नॉट आउट, 0 नॉट आउट, 1 नॉट आउट है, लेकिन नंबर 9 पर बैटिंग कर रहा है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। डिलानी अलेक्जेंडर के नाम 4 मैच में 3 विकेट है और हर मैच में 2 ओवर डाल रहा है, इंपॉर्टेंट रहेगा। एमियल गिलबर्ट सिर्फ आखिरी मैच खेला, बैटिंग बॉलिंग नहीं मिली थी। ओडीडी में इसके नाम 6 मैच में 51 रन, 2 विकेट है, 29 ओवर डाल के। अब देखो, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो है काइल केबे, और यहाँ से केविन जेम्स, जॉन फेबियन, इनके अलावा जेमी जेम्स, और नीचे यहाँ पर चलो तो डी अलेक्जेंडर और एमिल गेबल्ट तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेंच पर जो भी प्लेयर इनमें से कोई खेलता है उसके स्टेट्स आपको मिल ही जाएंगे। स्टार्टिंग के वो डालेंगे डी अलेक्जेंडर, के केबे, डेथ के वो डालेंगे ऐसे एस थॉमस और के केबे। तो ये तो बात होगी यहाँ पर वैली हैकर्स की टीम की। अब बात करेंगे यहाँ पर ट्रिपल एस की टीम की। तो इनकी टीम ने 4 में से 2 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले हारे हैं। ओपन करेंगे ऐसे कश्मीरी बेंजामिन और रोमेन पेरिस। पहले बात करेंगे कश्मीरी बेंजामिन की, पहले में 1, फिर 34, फिर 22, फिर 2 हैं, ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस है, चाहो तो रख लेना। रोमेनी पेरिस इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों चीज़ें अभी कर रहा है। पहले में देखो बैटिंग नहीं है, दूसरे में 29 से 1 विकेट है, फिर 12-0 विकेट है, फिर 16-1 विकेट है, मस्ट पिक रहेगा। और स्टेफन पास्कल जो है भाई, ये बहुत ही तगड़ी फॉर्म में और कैप्टनसी का दावेदार रहेगा। पहले में 34 से 1 विकेट, फिर 45, 4 विकेट और फिर 22 से 1 विकेट है। जोएल मिंगो भी बहुत बढ़िया फॉर्म में, 58, 20 नॉट आउट, मस्ट पिक रहेगा। और चेस्टन की बात करूँ तो लास्ट के जो 4 मैचेस हैं वहाँ पर अगर आप देखोगे 1 विकेट इसके नाम है, बॉलिंग हालांकि हर मैच में करवाई है, और बल्ले से 1-0-3, 19 नॉट आउट है। कायरन फिल्पी के नाम लास्ट के 4 मैच में 3 विकेट हैं, ये भी हर मैच में लगभग 2 ओवर डाल रहे हैं। यहाँ से आएंगे सप्तियान ब्रूमेंट, इन्होंने यहाँ पर लास्ट के 4 मैचेस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 5 ओवर डाले, विकेट सिर्फ 1 है, जीएल का पिक रहेगा। माइकल डेलसोल उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, कैरोन जेम्स का उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। किट मार्टिन देखो, पहले मैच में 2 ओवर 1 विकेट, फिर बॉलिंग नहीं, फिर 1 विकेट, फिर बॉलिंग नहीं, तो इसको भी लगातार यहाँ पर बॉलिंग नहीं मिल रही। अनिल फोंटेन का भी उतना अच्छा रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं है। तो अभी के लिए भाइयों, यहाँ पर स्मॉलिंग में जो प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे वो हैं कश्मीरी बेंजामिन, रोमेन पेरिस, स्टेफन पास्कल हो गए, जोएल मिंगू हो गए, यहाँ से चेस्टन भी अच्छे प्लेयर हैं मेरे हिसाब से, कायरन फिल्पी हो गए, और नीचे से यहाँ पर आपको रखना है तो आप क्रिक मार्टिन को रख सकते हो, क्रिक मार्टिन को। बेंच पर इनके 2 प्लेयर, इनमें से अगर कोई खेलता है तो उसके स्टैट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। स्टार्टिंग के जो ओवर हैं यहाँ से डालेंगे एस ब्रूमेंट, एस पास्कल, आर पेरिस, डेथ के ओवर डालेंगे आर पेरिस, एस ब्रूमेंट और के फिलिपे। तो एनालिसिस वाला जो पार्ट है इस मैच का वो हो चुका है अब कंप्लीट। अब बात करेंगे यहाँ पर डेमो टीम की। तो देखो, विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने रखा है सी बेंजामिन को यहाँ पर रखा है, बैटिंग सेक्शन से मैंने यहाँ पर के जेम्स,
सी डेंगलेबन और जे फेबियन को रखा है। ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने यहाँ पर स्टेफन पास्कल, के केबे, के फिलिपी और जे मिंगो को रखा है। और जबकि बॉलिंग सेक्शन से मैंने यहाँ पर डी अलेक्जेंडर, आर पेरिस और जे जेम्स को रखा है। तो अभी के लिए मेरे 11 प्लेयर्स यही रहने वाले हैं। कैप्टन मेरे एस पास्कल हैं, वाइस कैप्टन के केबे हैं, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम आपको आफ्टर टॉस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में मिल जाएगा। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।